नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, हजारों सीक्रेट्स, हजारों ऐसी चीजें आपकी तरफ लेकर आए हैं जो वाकई रत्नों के अंदर आपने अभी तक ना सुनी होंगी, ना कभी पढ़ी होंगी, ना कभी देखी होंगी। ये जो आप चैनल है, इसके ऊपर आपको हर तरह की रिलेटेड टू जेमलॉजी नॉलेज मिलती है। मैं से बोलता हूं, एजुकेशनल चैनल भी है और ये अपने आप में मैंने पूरी जो रिसर्च करी है उसके बिहाव पे अभी तक जो हमारे 1400-1500 एपिसोड आए हैं वो डाले हैं, और कोशिश रहेगी आगे भी ये एपिसोड बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, बॉम्बे में रहने के कारण मैं आपको यहां पे एक और चीज बता दूं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमेशा उनकी एक ये डिमांड रहती है कि आपने जो रत्नों के बारे में हमें बताया है, रत्नों के बारे में समझाया है। देखिए, कई बार क्या होता है, कोई नए एस्ट्रोलॉजर भी, जेमस्टोन एक्सपर्ट, जो इस चीज को समझना चाह रहे हैं कि कैसे रत्न पहनना है, कौन सा मेटल के अंदर क्या करना है, बहुत सारी, देखिए क्या होता है, जब लोग हमें होरोस्कोप दिखाते हैं तो सबसे पहले 30-40% पीपल आर सेइंग कि मेरा लगन ये है, बस जन्म लगन के अलावा, उनको लगन चार्ट के अलावा कुछ नहीं पता होता। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप अपना होरोस्कोप उठाएंगे तो उसके अंदर चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली, उसके बाद सुदर्शन चक्र, महा, बहुत सारी अंदर चीजें होती हैं। सिर्फ ये थोड़ा है कि बुखार है तो पैरासिटामोल ले ली, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप एक्सपर्ट की राय लेते हैं तो बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ करें उनकी राय के ऊपर। ये ना हो जाए आप अपनी साइंस लेकर चल पड़े। अपनी साइंस से रिलेटेड मैं आपको चीज बता दूं, कई बार हमें ऐसी कॉल्स आती हैं जो लोग हमें बोलते हैं कि हमने मूंगा पहनना है, कौन से नक्षत्र में पहने, क्या करें, कौन सा पक्ष हो। ये पक्ष वाला चक्कर हटा दे, मैं आपको यहां पे बता दूं, और भी बड़े सारे वहम है, ट्रायंगुलर पहने, कैप्सूल पहने, या कौन सी शेप ओवल पहने, ये यहां पे मैं बता दूं। इन ही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये जो चैनल है ना, आप देख रहे हैं, बनाया गया है। ये जो वहम है, ये जो भ्रांतियां हैं, आपके अंदर जितनी भी शंकाएं हैं रिलेटेड टू जेमलॉजी, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दे, मैं गारंटी के साथ बोल दूंगा कि आपको ऐसी ऐसी चीजें पता लगनी शुरू हो जाएंगी जो आपके जितने वहम, जितनी भ्रांतियां थी रिलेटेड टू जेमलॉजी, वो खत्म हो जाएंगी। ये तभी संभव होता है दोस्तों जब आप भी पूरी तरह उस चीज को अप्लाई करें, फॉलो करें। उदाहरण के तौर पे आपने डॉक्टर के पास चले गए, आपने दवाई लिखवा ली है, केमिस्ट के पास चले गए, दवाई ले ली है, पॉकेट में डाल के घूम रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, तो हाउ टू पॉसिबल कि आप अपनी लाइफ को अच्छा कर पाएंगे, आप अपनी मर्ज को, बीमारी को, उससे बाहर आ पाएंगे? नॉट पॉसिबल। जुड़ना पड़ेगा पॉजिटिवली, जुड़ना पड़ेगा आपको जेमलॉजी के साथ, एस्ट्रोलॉजी के साथ, तभी संभव है आप उस प्रॉब्लम से, उस दिक्कत से, उस परेशानी से बाहर आ पाएंगे। तो दोस्तों, आगे चलते हैं आज का जो हमारा एपिसोड है। 24 hours later, दोस्तों आज का ये जो एपिसोड है, आपने देखा होगा ये जो एपिसोड है, इसके अंदर पन्ना और मोती के बारे में आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बताया जाएगा। वैसे तो पन्ना और मोती के ऊपर मेरे लगभग 5-6 एपिसोड बने हुए हैं, जो कई बार जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको सर्च नहीं होते हैं। तो आज ऐसे ही एक एपिसोड और लेकर आए हैं, उनको भी इसके अंदर क्लब किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया जाए बहुत ऑनेस्टी के साथ। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों की एक धारणा है कि पन्ना और मोती इकट्ठे नहीं पहने जा सकते। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 100% इन दोनों को पहना जा सकता है, और मैंने लगभग 500,000 लोगों को डलवाया हुआ है,
जिनको बड़े पॉजिटिव और बड़े ओरिएंटेड रिजल्ट्स आए हैं रिलेटेड टू दोनों स्टोन से। अब पन्ना और जो मोती है, मैं आपको बता दूं इसका जो सबसे जरूरी, इसको किस एवज में पहना जाता है, कौन सी प्रॉब्लम के एवज में पहना जाता है। न्यूरो से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रबल हो, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, बेचैनी हो, घबराहट हो, या मन के अंदर बुरे ख्याल बार बार आ रहे हो, कई बार कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, लो हो जाता है, ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि मेरे पास उस चीज़ के लिए हर एक चीज़ को मैं समझ चुका हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे, जिसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम, आपका जो नर्वस सिस्टम है इसको स्ट्रॉन्ग करता है पन्ना और मोती। लेकिन इसके लिए आपको जो पन्ना पहनना पड़ेगा वो जाम्बियन पहनना पड़ेगा 6 कैरेट का। ये स्टैंडर्ड पैरामीटर के ऊपर एक मैं वेट बता रहा हूं, हो सकता है किसी को कम या किसी को ज्यादा भी इस वेट के अंदर इस चीज को समझना पड़ेगा। अब पन्ना जाम्बियन होना चाहिए, राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में डाला जाता है, चांदी में, दिन बुधवार सुबह 11 बजे से पहले। और मोती जब भी साथ डालना है तो मैं बता दूं मोती मंडे डाला जाता है। अब मोती को कहां डाला जाएगा, मोती को लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली में डाला जाएगा, साउथ सी का मोती लगभग 7 कैरेट का, चांदी में, मंडे सुबह 11:30 से पहले, मंत्र और इसकी जो पूजा करवा के ही इसे पहना जाए। अब दोनों लैब टेस्टेड होंगे, सर्टिफाइड होंगे, तभी आप इसे पहनिएगा, अन्यथा चाइनीज रत्नों के आप शिकार हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लग रहा है ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं, आ रहा है मजा? मैं फिर से बता दूं, जब भी रत्न लेने हैं, जब भी जेम्स लेने हैं, तो सर्टिफाइड लैब टेस्टेड जेम लेने हैं। ये ना हो जाए कि आप ये सोचकर चले कि आपके अंकल हैं, आपके रिश्तेदारी में हैं, आपके कोई भी नॉन हैं, आप सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। तो पैसे तो अंकल ले लेंगे ना, कि पैसे भी अंकल छोड़ देंगे, 100% लेंगे। मैं यहां पे बता दूं, सर्टिफिकेट से ही क्लियर हो पाएगा कि ये जो जेम है, ये जो पत्थर है, वाकई में जेन्युइन है या चाइनीज पत्थर है, फेक पत्थर है। दोस्तों कभी भी मन के अंदर ये विचार ना लेकर आए कि आप रत्न पहन रहे हैं और अपनी मर्जी से पहन रहे हैं, ये भी एक गलत धारणा है। एक्सपर्ट की राय आपको सही रत्न चयन करने में बहुत सहायता, बहुत हेल्प करेगी। हमेशा याद रखिएगा एक चीज को, कभी भी ना ये सोचिएगा कि आप अपने लेवल पे उस चीज को कर पाएंगे, पॉसिबिलिटीज आर नॉट ब्राइट। मैं आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं, जिन लोगों ने अपनी मर्जी से, जिन लोगों ने नीम हकीम खतरे जान, जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं, उनकी मर्जी से रतन तो पहन लिए लेकिन बर्बाद हो गए। और अब भी ऐसे बहुत सारे लोग मेरा वीडियो भी सुन रहे होंगे जिन्होंने रतन पहने हुए हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनका ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है। तो बचना तो पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। तो दोस्तों इधर उधर की बातें ना करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। अब इसी के साथ एक और चीज जोड़ दूं, छोटे बच्चे होते हैं या कोई भी, कई बार होता है कि उनको लगता है हाथ के अंदर स्टोन हम नहीं डाल सकते, चाहे वो धर्म अलो नहीं कर रहा, जा कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। कई बार कई लोगों को हाथ के अंदर स्टोन डालने से वो डरते भी हैं, हिचकिचाते भी हैं, कि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स या समाज के अंदर लोग पूछेंगे ये क्या डाल लिया, वो क्या डाल लिया, होता है ऐसी चीज़ों को। तो दोनों का इकट्ठा एक पेंडेंट बनवा के चांदी में आपने इसकी पूजा करवानी है, शुद्ध करवाना है, और एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त निकलता है। उस मुहूर्त के अंदर आप इसे पहनेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बुध और चंद्रमा एक ही बॉक्स के अंदर अगर आ जाएं, मैं फिर से बता रहा हूं, आप अपना चार्ट उठा के देखिएगा, बुध और चंद्र एक ही बॉक्स के अंदर हो, या एक ही राशि के अंदर हो, या एक दूसरे के नक्षत्र के अंदर हो, तो ये जो मैंने ट्रबल बताया है माय डियर, ये हो गई होगा, न्यूरो से रिलेटेड डर, बेचैनी, ये हो गई होगा। तो इससे बचने का ये जो रामबाण है मैंने आपको बता दिया है, इमीडिएटली यू कैन वेयर दिस, और इसके रिजल्ट्स ने बड़े अच्छे, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आपको चंद दिनों के अंदर मिलने शुरू हो जाएंगे। बेफालतू के वहमों में ना फंसे,
ये ना हो जाए कि आप ये सोचें मोती के साथ पन्ना नहीं डलता, पन्ने के साथ ये नहीं डलता। एक्सपर्ट बताएगा विच स्टोन इज गुड फॉर यू और नॉट। आप एक्सपेरिमेंटल स्टोनों से भी बचें। मैं यहां पे बता दूं, जीवन रत्न भाग्य रत्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि वो ऐसे पिलर हैं आपके होरोस्कोप के, कुंडली के, बर्थ चार्ट के, जो वाकई आपकी बिल्डिंग को कभी गिरने नहीं देंगे। बहुत स्ट्रांग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ के अंदर सर्वाइव करेंगे। उन्नति तरक्की आपके कदम चूमेगी और चंद दिनों के अंदर आपको रिजल्ट्स, ओरिजिनल लैब टेस्टेड सर्टिफाइड स्टोन्स के आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो एपिसोड आपने देखा है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इन सब वहम, इन सब भ्रम से बाहर निकालने के लिए बनाया गया है। और एक और चीज मैं साथ में जोड़ दूं, मैं एक चीज बार बार बोलता हूं कि चाइनीज रतन लोग बोलते हैं कि चाइनीज रतन जो हैं, इनसे हमें कैसे पता लगेगा कि हमने ये जो पहने हुए हैं, स्टोन्स हैं, जेम्स हैं, बर्थ स्टोन्स हैं, ये चाइनीज हैं। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का बटन जरूर प्रेस करें, दबाएं उसे, ताकि जितने वहम, जितनी भ्रांतियां हैं, ये जो आपका सवाल है, ये पत्थर चाइनीज है या नहीं है, उसमें दिखाया भी गया है, बताया भी गया है। क्योंकि 1500 एपिसोड होने की वजह से ये बातों को बार 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 करेंगे तो लोग इरिटेट हो जाएंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों की कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, या आप अपनी कोई फ्रेंड सर्कल के अंदर किसी का भी कुंडली का एनालाइज या विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, तो ये जो नंबर देख रहे हैं, नंबर है 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू फॉर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल अपॉइंटमेंट। आपने करना क्या है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है, उसके ऊपर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम छोड़ दें। अगर आपके पास इन चार चीजों के अंदर कोई चीज सही नहीं है, टाइम गलत है, डेट गलत है, तो आप दोनों हाथों की लकीरों की पिक्चर अलग अलग इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दें। आपको प्रोसीजर आएगा, हमारी पेड सर्विसेज है, उस प्रोसीजर को फॉलो करें। घर बैठे आपको कहीं आने की जरूरत नहीं, आप अपने घर बैठे, अपने रूम में बैठे और वहीं पे आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मैं आपको एक और चीज साथ में जोड़ देना चाहता हूं दोस्तों, कि जब भी आपने कंसल्टेंसी लेनी है, जब भी आप अपने सवाल पहले लिख लें, ये ना हो जाए उस वक्त कई बार दिमाग के अंदर वो चीज स्किप कर जाती है, तो पहले आप अपने क्वेश्चंस अपने पास नोट करके रख लें, ताकि कंसल्टेंसी के टाइम, अपॉइंटमेंट के टाइम आपको ट्रबल, दिक्कत ना हो। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा, अभी के अभी YouTube चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल TV चैनल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। और ये जो नीचे नंबर भाग रहा है ना, ये जो सारे चैनल्स के ऊपर, जो हमारे जितने भी सर्च इंजन हैं, इसके ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जो एपिसोड था आपको पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।